So friends, a very good morning and welcome to this today's special session. Here we are going to discuss a lot of things which are very different, जो हम लोग generally कहीं पर use नहीं करते हैं, हमें उसकी जरूरत भी आवश्यकता भी महसूस नहीं होती है. ऐसे कुछ subjects हैं जो आज हम लोग यहाँ पर discuss करने वाले हैं. जी हाँ, there is Health Insurance Guidelines 2020. Okay? वैसे तो हम लोग सारा ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये सब्जेक्ट, आज के सब्जेक्ट को छोड़कर हमने सारे कोड एक्सक्लूजन हम लोगों ने कल स्टडी किए थे. लास्ट दो दिन पहले वी हैव डिस्कस द कोड एक्सक्लूजन जो एज पर द IRDA गाइडलाइंस हेल्थ इंश्योरेंस की है. लास्ट ईयर जो 1 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हुई थी. ओके, सो एक जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर इन्होंने इस सेशन में इस गाइडलाइंस में जो दी है वो इस प्रकार है. मैं जानना चाहूंगा कि देयर इज मॉरेटोरियम 2020. क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉरेटोरियम? ये पिछले साल से ये शब्द बहुत ही चर्चा में चल रहा है, मॉरेटोरियम. व्हाट इज मॉरेटोरियम? कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉरेटोरियम? एनीवन, कोई यदि बताएगा तो. बेसिकली जो मॉरेटोरियम का मतलब होता है दैट इज द टू एक्सटेंट. ओके, इसका मतलब है टू एक्सटेंट, जो लिमिट होती है उस लिमिट को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देना, दैट इज कॉल्ड एज द मॉरेटोरियम. ये जो मॉरेटोरियम है, एज पर दिस मॉरेटोरियम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज बिकम इनडिस्प्यूटेबल आफ्टर 8 years ऑफ प्रीमियम पेमेंट. अब बात को ध्यान दीजिएगा, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज बिकम इनडिस्प्यूटेबल आफ्टर 8 years ऑफ प्रीमियम पेमेंट. करेक्ट, यदि आपने 8 साल लगातार प्रीमियम भर दिया है तो ये पॉलिसी आपका इनडिस्प्यूटेबल है, आपके क्लेम को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है. ओके, बट यहाँ पर थोड़ा सा हमें डिटेल में स्टडी करना होगा. जैसे कि आप जानते हैं कि भी लाइफ इंश्योरेंस में एक होता है कि भी यदि पॉलिसी 3 साल चल चुकी है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिजेक्शन ऑफ द क्लेम. सिमिलरली यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में भी 8 साल प्रीमियम भरने के बाद द पॉलिसी बिकम्स इनडिस्प्यूटेबल. बट यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि लुक बैक अप्लाई नहीं होगा. ये जो 8 साल का पीरियड है इसको हम मॉरेटोरियम पीरियड बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज द मॉरेटोरियम पीरियड. 8 ईयर मीन्स द कंटिन्यू 8 ईयर्स. आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, 8 साल का मतलब है कि लगातार 8 साल. यदि वहां पर ब्रेक है तो उस दिन से स्टार्ट होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का 20 तारीख का ड्यू होता है, उसने 20 तारीख के पहले पॉलिसी नहीं भरा है और उसने 22 तारीख को भरा है, तो देर इज अ ब्रेक. तो ये ब्रेक से यदि ब्रेक हुआ है तो उसका जो मॉरेटोरियम पीरियड है उस साल से वापस से नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए जाएगा. जिस प्रकार आप लाइफ इंश्योरेंस में लैप्स पॉलिसी को आगे किस प्रकार से फ्रेश माना जाता है ना, लाइक दैट यहाँ पर आपका जो मॉरेटोरियम पीरियड है ये यदि आपका पॉलिसी ब्रेक हुआ है तो ब्रेक होने के उस साल से ये वापस शुरू होगा. तो इसलिए आप यदि कस्टमर से किसी से ये इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे तो आप उसको ये बताने का कोशिश कीजिएगा कि आपका पॉलिसी का ड्यू डेट के पहले आपका प्रीमियम भरना इज ज्यादा इंपॉर्टेंट. ओके, सो 8 ईयर इज द मॉरेटोरियम पीरियड फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज. अभी यहां पर एक बात और जानने योग्य ये है कि ये जो 1st ईयर में आपका जो सम इंश्योर्ड है उसके ऊपर अप्लाई होगा. मान लीजिए आप किसी ने आज 10 लाख रुपए का पॉलिसी लिया है तो उसका 10 लाख रुपए के ऊपर मॉरेटोरियम पीरियड 8 साल का लागू हो रहा है. मान लीजिए आपने तीसरे साल आपने 10 लाख का 20 लाख का सम इंश्योर्ड कर दिया, एनहेंसमेंट किया है वहां पर, तो 20 लाख के लिए वो 3 साल के बाद शुरू होगा, जबकि ये 10 लाख का 8 साल पूरा होते ही 10 लाख के सम इंश्योर्ड पर ये मॉरेटोरियम अप्लाई हो जाएगा. उसके 3 साल के बाद में और आपका 20 साल का मॉरेटोरियम अप्लाई हो जाएगा. ओके, सो जो डेट ऑफ एनहेंसमेंट है वहां से वो इंक्रीज्ड सम इंश्योर्ड का 8 साल गिना जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड एज द मॉरेटोरियम. एक इंपॉर्टेंट चीज है लोगों को, यदि किसी ने रेगुलरली पॉलिसी भरा हुआ है तो उसके लिए काफी ये बेनिफिट योग्य है. ये 8 साल होने के बाद में नो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी कंटेस्टेबल एक्सेप्ट फॉर द प्रूवन फैक्ट एंड परमानेंट एक्सक्लूजन स्पेसिफाइड इन द पॉलिसीज. यदि आपका जो एक्सक्लूजन कंडीशन है ना उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, आप बोलेंगे कि भी परमानेंट एक्सक्लूजन है उसका भी आपको क्लेम दे दिया जाएगा. नो, दिस विल नॉट अप्लाई टू द परमानेंट एक्सक्लूजन्स. ओके, यदि आपका 8 साल का पीरियड हो गया
तो एक्सेप्शनल केसेस छोड़कर कंपनी कांट डिनाई डिनाई द क्लेम। यहां पर लिमिट्स, सब लिमिट्स, डिडक्टिबल्स, वो सारा कंडीशन एज इट इज अप्लाई होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बेसिक कंडीशंस विल नॉट बी चेंज इन केस ऑफ मॉरिटोरियम। ये जो है, दिस विल बी एप्लीकेबल टू द हेल्थ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर ही अप्लाई होगा। यदि कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यदि आपको ये प्रोवाइड कर रही है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज का भी बहुत सारा ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है कुछ विद सर्टेन कंडीशंस, तो दिस मॉरिटोरियम कंडीशन डज नॉट अप्लाई टू द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। दिस विल अप्लाई ओनली फॉर द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, उनके हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को ही अप्लाई होगा। राइट? यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि आपने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की है और उसका कोई क्लेम आता है, तो दैट विल नॉट बी इंटरटेन्ड। उसके ऊपर कंपनी उसको रिजेक्ट कर सकती है। फ्रॉडुलेंट का मतलब क्या है कि यदि आपने कोई बेसिक उसके अंदर आपने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, राइट? यदि आपने उसके ऊपर कोई समझो बेसिक इंफॉर्मेशन आपने नहीं दी है और वो यदि कंपनी को पता चलता, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। और यदि कोई बिल में मिस मैनिपुलेशन किया गया है, फैक्ट्स को क्लेम के दौरान कुछ हाइड किया गया है या मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है, तो कंपनी हैज द फुल राइट टू रिजेक्ट द क्लेम। एक्सक्लूजन्स विल रिमेन एज इट इज। दिस विल मॉरिटोरियम विल नॉट अप्लाई टू द एक्सक्लूजन्स। एंड इफ योर That already I have explained you. Considering this moratorium right, health insurance companies जो है, आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब कंपनी को 8 साल के बाद में पूरा प्रीमियम पे क्लेम देना ही होगा, तो ऐसे हालात में कंपनी में एक चांसेस ये है कि जो प्रीमियम है, दैट प्रीमियम में भी रिवाइज फ्रिक्वेंटली, प्रीमियम आपका यहाँ पर रिवाइज होते जाएगा। मतलब थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है आपका, जो आज लग रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको फ्यूचर में लगेगा। तो मतलब ये है। यहाँ पर लोग, यदि कोई सोचता है कि भी मैं आज, मेरे को समझो ये कि ये प्रॉब्लम है, समझो कोई कैंसर वाला व्यक्ति है, उसको यदि कोई पॉलिसी नहीं दे पा रहा है और वो यदि कोई यंग स्टार जैसी पॉलिसी लेना चाहता है, और वो क्या करेगा कि वो उस पॉलिसी को ले लेगा और कैंसर डिक्लेयर नहीं करेगा और सोचेगा कि भी मेरे को ना 8 साल के बाद में एक पॉलिसी पहले की चल रही है, मैं 8 साल के बाद में ये बड़ा सम इंश्योर्ड का पॉलिसी से क्लेम कोई भी कर लूंगा। तो दिस टाइप ऑफ केसेस जहाँ पर डिस्क्लोजर नहीं किया गया है मटेरियल फैक्ट्स का, तो वहां पर क्लेम कंपनी हैज फुल राइट टू रिजेक्ट द क्लेम। और ऐसे केसेस में कंपनी हैज राइट टू कैंसल द पॉलिसी ऑल्सो। करेक्ट? इन सच केस पॉलिसी शैल बी वॉइड एंड ऑल प्रीमियम पेड देयर ऑन शैल बी फॉरफिटेड बाय द टू द कंपनी इन द इवेंट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस डिस्क्रिप्शन, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। ये आपका मोरेटोरियम के बारे में मैंने आपको बताया। नाउ यहां पर एक बात और है, अनदर पॉइंट इन द गाइडलाइंस, पेनल्टी फॉर द डिले इन क्लेम सेटलमेंट। आप लोग जानते ही होंगे कि इफ देयर इज अ डिले इन द क्लेम सेटलमेंट कंपनी हैज टू पे सर सॉरी, स्क्रीन पे देखो, दूसरे सबके फोटोज पड़ रहे हैं, सब क्या क्या हो स्क्रीन रहा पे है सबके फोटो आ रहे हैं, स्क्रीन स्क्रीन के ऊपर। ये अब निकल गया। ठीक है, नहीं, ये तो सबके है, 4 जन है, दो और एक कौन अपना वो निधि अग्रवाल और जूलिया और राजेश शेट्टी और को मोरे करके। आप क्या कीजिए, आप है ना, इसका जो स्पीकर व्यू में आ जाइए ना आप, तो आपको नहीं दिखाई देगा। हाँ, आप ये हाँ प्रेजेंटेशन को स्पीकर व्यू पे देख लीजिए आप। हाँ, आपका जो टॉप कॉर्नर पे वहां पे दिखाई देता है ना स्पीकर व्यू एंड सबका व्यू जो एक है ना, आप स्पीकर व्यू सिलेक्ट कीजिए। ओके ओके सर। सो यहाँ पर पेनल्टी फॉर डिले इन क्लेम सेटलमेंट, देखिए ये क्लॉज और यहाँ पे डाला गया है, हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। ओके, इफ देर इज अ डिले फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, देन इट इज ऑब्वियसली इट कॉस्ट पेनल्टी टू द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी।
कंपनी अननेसेसरीली क्लेम को सेटलमेंट करने में डिले नहीं कर सकती है, अदरवाइज उसको ये देना होगा, दे हैव टू गिव द क्लेम पेनल्टी. देखिए क्लेम में कंपनी हैज टू सेटल और रिजेक्ट, उसको इमीडिएटली कंपनी को सेटल करना होता है या रिजेक्ट करना होता है विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड. यदि वो उसमें नहीं करते हैं और डिले करते हैं तो उसको पेनल्टी अप्लाई होता है. कंपनी को 30 डेज के अंदर अंदर इसका जवाब देना होता है, आइदर दे हैव टू सेटल द क्लेम और दे हैव टू रिजेक्ट द क्लेम. थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जानते हैं इसको. ओके, यदि उन्होंने 30 डेज में जवाब नहीं दिया तो पेनल्टी पे करना है, एंड दिस पेनल्टी इज 2% अबव द बैंक रेट्स. बहुत सारे एडवाइजर्स का क्या होता है कि वो लोगों को पता है कि भाई अपना ये जो सेशन है हम लोगों ने टाइम का दिया हुआ है तो वो उस सेशन को नहीं अटेंड करते हैं, जबकि ग्रुप पे हम लोगों ने लिंक शेयर किया हुआ है और वो उस वक्त कॉल करते रहते हैं. हाँ, तो आप लोग थोड़ा सा इसका बहुत सारे लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है. ये जो पेनल्टी है दिस विल बी 2% अबव द बैंक रेट्स, बैंक का जो रेट चल रहा है उसके से 2% अधिक होगा तो उसको कंपनी को पे करना होगा. ये पेनल्टी उसको अप्लाई होती है ऑन रिसीप्ट ऑफ ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं और उस डेट से वो 30 डेज के अंदर सेटल नहीं करती है तो पेनल्टी इज एप्लीकेबल. अभी समझो आज आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, आपका कुछ क्वेरी रेज किया गया है, समझो से आफ्टर 10 डेज कुछ क्वेरी रेज किया, आपने उस क्वेरी को रिप्लाई करने में 15-20 दिन लगा दिए और आप बोलते हो कि भाई मेरे को डे वन से आप यहाँ पर पेनल्टी दो, तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल. जब आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं, कंपनी के हाथ में आ चुके हैं, तो उस दिन से आपको 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्लेम कंपनी सेटल करेगी या रिजेक्ट करेगी, वॉट एवर द केस मे बी. यदि इफ देर इज सम डेफिशिएंसी इन द डॉक्यूमेंट, आजकल तो क्या हो गया कि एक ही बार की क्वेरी के अंदर सारा का सारा इनको सेटल करने का रहता है कि भी एक ही बार क्वेरी रेज करेंगे और सारा क्लेम सेटल करना है आपको. यदि समझो आपने उसके अंदर कुछ इनसफिशियंट डॉक्यूमेंट्स दिए क्लेम के दौरान, तो अपन सेकंड क्वेरी रिजेक्ट नहीं रेज नहीं करेंगे और उसको वहां पर क्लेम को रिजेक्ट कर देंगे. आप वापस से बाद में सबमिट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट 30 डेज के अंदर कंपनी विल रिप्लाई विद इन 30 डेज, राइट. इन द केस ऑफ डिले इन द पेमेंट ऑफ अ क्लेम द कंपनी शैल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट टू द पॉलिसी होल्डर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ क्लेम एट 2% above the bank rates. यदि यहाँ पर समझो ऐसा कुछ हालात है कि भी जहाँ पे अंदर कुछ कंपनी को इन्वेस्टिगेशन करना है, ओके, कंपनी को कुछ डाउट है और उस डाउट्स के कारण समझो कंपनी को लग रहा है कि भी मेरे को यहाँ पर है ना ये थोड़ा सा इस क्लेम को इन्वेस्टिगेशन करना है, तो ऐसे केसेस में कंपनी को 45 डेज तक का टाइम मिलता है और 45 डेज के अंदर मतलब 15 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन करो, वो रिपोर्ट आने के बाद में 30 डेज के अंदर क्लेम सेटल करो, तो 45 डेज के बाद ये वाला क्लॉज लागू होता है, अप्लाई होता है. ओके, दिस वाज अबाउट द पेनल्टी पेबल इन केस ऑफ डिले इन क्लेम सेटलमेंट. नाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्रेस पीरियड. ये जो ग्रेस पीरियड है आपको पता है ये अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग कंपनी में इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट एंड इंश्योरेंस कंपनी. कोई कंपनी 15 दिन का भी रखती है, कोई 30 डेज का रखती है, जैसे अपने फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में 120 डेज का भी यहाँ पर ग्रेस पीरियड होता है. लाइक दैट ग्रेस पीरियड वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एंड प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट. ऐसे ये जो केसेस होंगे बट ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं उसके ग्रेस पीरियड के दौरान नो कवरेज इज कंसिडर्ड. ड्यूरिंग सच अ ग्रेस पीरियड कवरेज विल नॉट बी अवेलेबल फ्रॉम द ड्यू डेट of installment premium till the date of receipt of premium by the company. ये तो clause आपको अच्छी तरह से पता है कि भी वो यदि उसका कोई claim arise होता है break period के दौरान तो this will not be paid. Okay? The insured person will get the accrued continuity benefit. जैसे कि हम लोग देते हैं, उसने समझो late भरा है break करने के बाद में उसने भर दिया है policy, तो उसके वहां पर वेटिंग पीरियड और स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड उसका निकल जाएगा, उसका अपन कंटिन्यूटी दे देते हैं, बट उसका जो डेट है वो चेंज हो जाता है. समझो उसका 20 तारीख का था, उसने 30 तारीख को भरा, तो नेक्स्ट पॉलिसी विल बी ऑन द डेट ऑफ 30th से वो पॉलिसी स्टार्ट होगा. ये 10 दिन का वहां पर
ब्रेक पड़ जाएगा, और ऐसे केस में उसका जो मोरेटोरियम है वो उसका 30 तारीख से फर्स्ट ईयर कंसीडर करके आगे कंटिन्यू गिना जाएगा, करेक्ट। अपन इसमें कोई प्रीमियम के ऊपर पेनल्टी चार्ज नहीं करते हैं, लेट फीस वगैरह चार्ज नहीं करते हैं। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड इफ द इंस्टॉलमेंट प्रीमियम इज नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट, करेक्ट। जैसे अदर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है उसके ऊपर थोड़ा सा पेनल्टी लगता है, यहां पर देयर इज नो पेनल्टी। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट प्रीमियम ड्यू नॉट रिसीव्ड विद इन द ग्रेस पीरियड, यदि उसने ग्रेस पीरियड के अंदर पॉलिसी का पैसा नहीं भरा, पॉलिसी विल गेट कैंसल्ड, ऑटोमेटिकली पॉलिसी कैंसल हो जाएगा, उसका कंपनी को नोटिस देने का भी कोई जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर। उसको यदि 30 डेज के बाद में यदि बोलता है नहीं आपने मेरे को बताया नहीं कि मेरा पॉलिसी कैंसिल हो गया, तो दिस एक्सक्यूज इज नॉट एक्सेप्टेबल। जो पेमेंट इंस्टॉलमेंट पर करते हैं हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, ऐसे केसेस में इन द इवेंट ऑफ अ क्लेम ऑल सब्सिक्वेंट प्रीमियम इंस्टॉलमेंट शैल इमीडिएटली बिकम ड्यू एंड पेएबल। ओके, इन द इवेंट ऑफ अ क्लेम ऑल सब्सिक्वेंट प्रीमियम इंस्टॉलमेंट शैल इमीडिएटली बिकम ड्यू एंड पेएबल। इसका मतलब क्या है कि यदि समझो किसी ने ना ये लिया अपने से क्वार्टरली प्रीमियम लिया है और एक इंस्टॉलमेंट भरने के बाद में दूसरे तीसरे महीने में उसका कोई क्लेम आ गया, फॉर एग्जाम्पल कोरोना, आजकल COVID-19 ही चल रहा है अभी, हर क्लेम उसका ही आ रहा है, तो उसका जो क्लेम आया है तो उसके अंदर से नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स का जो प्रीमियम है हम लोग डिडक्ट कर लेंगे। ओके, कंपनी हैज द राइट टू रिकवर एंड डिडक्ट द पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम द क्लेम अमाउंट अंडर द पॉलिसी। आपको बात क्लियर हुआ? इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट यदि उसका क्लेम अराइज हो रहा है, समझो उसने मंथली लिया है और 6 महीने के बाद में उसका कोई क्लेम आ गया, तो आगे के 6 महीने के प्रीमियम उसका यहाँ पर क्लेम अमाउंट में से डिडक्ट कर लेंगे। This is the right of the company, right to the company given by IRDA. तो यहाँ पर कस्टमर ये चैलेंज नहीं कर सकता है कि भी जब मैंने हाफ मंथली मोड लिया है तो आपको मेरा मंथली मोड ही लेना पड़ेगा, यू कांट डिडक्ट द प्रीमियम, देयर इज नो चैलेंज। हर पॉलिसी के क्लॉज में आपने ये लिखा हुआ है कि द कंपनी विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ IRDA मे रिवाइज और मॉडिफाई द टर्म्स ऑफ द पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पॉलिसी एंड ऑल्सो द प्रीमियम रेट्स, है ना। अब इसको 3 महीने पहले उसको इन्फॉर्म करना होता है। इसके लिए आप देखिए कभी भी कोई समझो अपने चेंजेस लेकर आते हैं, समझो प्रीमियम कोई रिवाइज किया गया है, तो वो उस रिविजन के 3 महीने के बाद अप्लाई होता है। दिस 3 मंथ इज द नोटिस पीरियड टू द कस्टमर। ये 3 महीने के दौरान कस्टमर अपना पुराना प्रीमियम पे पॉलिसी रिन्यू कर सकता है, और इफ ही वांट ही कैन रिन्यू द प्रीमियम पॉलिसी एट द न्यू प्रीमियम आल्सो, राइट। सो फीचर्स एंड प्रीमियम ऑफ एनी प्रोडक्ट, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, कैन बी रिवाइज्ड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ IRDA। फ्री लुक पीरियड, ये भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यदि फ्री लुक पीरियड के दौरान कस्टमर कैंसलेशन के लिए बोलता है तो पॉलिसी कैन बी कैंसल्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। ओके, द फ्री लुक पीरियड शैल बी एप्लीकेबल ऑन न्यू इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज ओनली। रिटेल पॉलिसी इसको अप्लाई करता है, यहां पर इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द न्यू पॉलिसीज, जो फ्रेश पॉलिसी लिया है। ये यदि किसी ने पोर्ट किया है तो पोर्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, आप ध्यान देना। समझो किसी ने पोर्ट किया और बोलता है 15 दिन के बाद में नहीं मेरे को पॉलिसी कैंसिल करना है, पॉलिसी कैन नॉट बी कैंसल्ड। यदि आप कोई दूसरे प्रोडक्ट में माइग्रेट कर रहे हो रिन्यूअल के दौरान, तो भी वो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा कि नहीं नहीं मेरे को अभी FHO से आपने आरोग्य संजीवनी कर दिया, मेरे को नहीं चाहिए, यू कांट कैंसिल द पॉलिसी। इसमें फ्री लुक पीरियड अप्लाई नहीं होता है। रिन्यूअल के टाइम में यदि समझो आपने रिन्यूअल किया और 15 दिन के बाद में आप पॉलिसी का कैंसिलेशन मांग रहे हैं, तो दिस कैन नॉट बी अप्लाई, right? So the cancellation, that is free look period, is not applicable to renewals, port policies and migrating to other product. ये 15 दिन का free look period होता है, okay? The insured person is allowed for the 15 days free look period from the receipt of policy document to review the terms and condition of the policy and return the same if not acceptable. और वो एक लेटर देकर या मेल करके पॉलिसी को कैंसिल करवा सकता है। जो रिफंड होता है ना, रिफंड अपन कहां पे करेंगे? यहां पर जो फ्री लुक पीरियड में रिफंड ऑफ द प्रीमियम पेड
उसके ऊपर एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड है कंपनी का, फॉर एग्जाम्पल कोई मैनेजमेंट कॉस्ट या स्टैम्प ड्यूटी और मेडिकल एग्जामिनेशन फीस, तो ये सारा का सारा अपन उसको वहां पर उसके प्रीमियम में से कट करके वी विल पे. तो इन सच केसेस वी कैन डिटेक्ट ऑल दीज थिंग्स. रिगार्डिंग द माइग्रेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट, IRDA ने इसके ऊपर पूरा राइट दिया है कि यदि आपको माइग्रेट करना है एक पॉलिसी से दूसरे पॉलिसी में बाय ऑफर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, तो आप उसको कर सकते हो एज पर द IRDA गाइडलाइंस. ओके, इसके लिए आपको कम से कम 15 दिन पहले उसको देना होता है, राइट. सो इसमें उसको पूरा का पूरा कंटिन्यूटी दिया जाएगा. यदि समझो कोई FHO से मेडिक क्लासिक में जा रहा है या FHO से कॉम्प्रिहेंसिव में जा रहा है, तो यहां पर उसको उसके सारे के सारे कंटिन्यूटी दिया जाएगा. का 30 डेज वेटिंग पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड, एक्सक्लूजन्स का स्पेसिफिक पीरियड और PED कवर विल बी गिवन इन द कंटिन्यूटी इन द माइग्रेटेड प्रोडक्ट, राइट. वेयर एज जो पहले वाले पॉलिसी का नो क्लेम बोनस था वो कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, दैट विल नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर. पोर्टेबिलिटी का भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं. इंश्योर्ड पर्सन विल हैव द ऑप्शन. सर जी बोलो. सर जी जैसे कल मेरा केस हुआ, अभिजीत गढ़कर का हम लोग कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं ना, वो ऐसा एग्जांपल ना, फॉर एग्जांपल. हाँ या सो इंश्योर्ड पर्सन विल हैव द ऑप्शन टू पोर्ट द पॉलिसी टू अदर इंश्योरर बाय अप्लाइंग टू सच इंश्योरर टू पोर्ट द एंटायर पॉलिसी अलोंग विद ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली इफ एनी एटलीस्ट 45 डेज बिफोर बट नॉट अर्लियर देन 60 डेज. 45 दिन तक वो कर सकता है, 45 दिन पहले तक, 60 दिन मतलब 2 महीने से ज्यादा पीरियड पे नहीं कर सकता, राइट. कैंसलेशन ऑफ द पॉलिसी का भी एक यहाँ पर क्लॉज डाला गया है. इसका मतलब क्या है कि कंपनी हैज राइट टू कैंसल द पॉलिसी एट एनी टाइम ऑन ग्राउंड ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट, फ्रॉड बाय द इंश्योर्ड पर्सन. 15 दिन का नोटिस देकर कंपनी उसको पॉलिसी को कैंसिल कर सकती है, सारे बेनिफिट रद्द कर सकती है एंड देयर विल बी नो रिफंड ऑफ द प्रीमियम, पूरा उसका नल एंड वॉइड हो जाएगा. इन केस ऑफ misrepresentation, non-disclosure of material facts, fraud by the insured person, so company can cancel the policy. ये सब हम लोगों ने आज यहाँ पर डिस्कस किया है. यदि आपको यहाँ पर कुछ डाउट्स या कुछ क्वेश्चंस हैं तो वी कैन डिस्कस ऑन ऑल दीज थिंग्स. आई थिंक आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा सब्जेक्ट नया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा आपको, बराबर है? Am I right? Yes.